ये दिल मांगे मोर। कैप्टन विक्रम बत्रा के संदेश ने भरा था सैनिकों में जोश। कारगिल फतह कर शहीद हुए, परमवीर चक्र से हुए सम्मानित। 1999 में आज के ही दिन यानी 7 जुलाई को कारगिल युद्ध में कैप्टन विक्रम बत्रा ने शहादत दी थी। कारगिल वॉर की एक चोटी पर फतह करने के बाद जब उन्हें दूसरी चोटी पर तैनात होने का आदेश दिया गया, तब उन्होंने अपने एक रेडियो संदेश से सैनिकों में ऐसा जोश भरा कि पाकिस्तानी फौज के होश उड़ा दिए गए। पाकिस्तानी सैनिकों के मशीन गन के जवाब अब साहस से दिया जा रहा था। विक्रम बत्रा और उनके सैनिक एक एक कर पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर करते जा रहे थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि न केवल 4875 चोटी पर कब्जा कर लिया गया, बल्कि कारगिल युद्ध भी फतह कर लिया गया। आज के ही दिन कारगिल युद्ध में 4875 चोटी पर फतह करने के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गए थे, जिसके बाद उन्हें मरणोपरांत भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये दिल मांगे मोर रेडियो पर संदेश। कहते हैं हर युद्ध का एक टर्निंग पॉइंट होता है। बताया जाता है कि कारगिल युद्ध में 4875 पर फतह करने में कैप्टन विक्रम बत्रा के एक रेडियो संदेश ने भारतीय सैनिकों में इतना जोश भर दिया कि उन्होंने पाकिस्तानी फौज के होश पाख्ता कर दिए। दरअसल कारगिल वॉर में श्रीनगर लेह की 5140 चोटी पर फतह करने के आदेश कैप्टन बत्रा को दी गई। पूरब की दिशा से वो अपनी टुकड़ी को लेकर बढ़े, जिसकी भनक तक पाकिस्तानी फौज को नहीं लगी। जब उनकी टुकड़ी पाकिस्तानी फौज तक पहुंच गई, तब वो हकबका गए। फिर उन्होंने भारतीय सैनिकों पर दनादन फायरिंग करने शुरू कर दिए। जवाबी फायरिंग में कैप्टन बत्रा की बटालियन ने 4 पाक सैनिकों को मार गिराया। फिर धीरे धीरे उनकी बटालियन पाक फौज पर हावी होती गई और 20 जून 1999 को 5140 पर फतह कर लिया गया। इसके बाद उनकी बटालियन को एक और चोटी पर फतह करने के आदेश मिले, जिसके बाद उन्होंने अपने सैनिकों को रेडियो पर ये दिल मांगे मोर का संदेश दिया। अगली चोटी 4875 पर फतह करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया, उसके लिए कैप्टन बत्रा को शेरशाह कोड नेम दिया गया। कोड नेम शेरशाह और कारगिल विजय। कारगिल के पॉइंट 4875 पर फतह करने के लिए 7 जुलाई यानी आज के ही दिन ऑपरेशन शुरू किया गया। हालांकि इस चोटी पर पहुंचना बेहद मुश्किल था, क्योंकि इस चोटी के दोनों तरफ तीखी ढलान थी, साथ ही ऊंचाई पर पाकिस्तानी फौज ने नाकेबंदी कर रखी थी। लेकिन तमाम मुश्किलों को पार करते हुए उनकी बटालियन 4875 पर पहुंची, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलियों की बौछारें होने लगी। कैप्टन बत्रा ने आमने सामने की फायरिंग में 5 पाकिस्तानी सैनिकों के पॉइंट ब्लैंक रेंज से मार गिराया। हालांकि वो भी पाक सैनिकों के गोलियों का शिकार होकर गंभीर रूप से घायल हो गए। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। रेंगते हुए वो दुश्मनों पर गोलियों और ग्रेनेड से हमला करते रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस ऑपरेशन को कैप्टन बत्रा ने सफल बनाया। पर इसी ऑपरेशन में आज के ही दिन उन्होंने अपनी शहादत दे दी। बचपन से ही सेना की तरफ झुकाव। कहा जाता है कि आप जैसी सोच रखेंगे, नियति भी आपको उसी तरफ ले जाएगी। कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। कहते हैं बचपन से ही उन्हें वीरता की कहानियां पसंद थी, जिनमें वो सबसे ज्यादा भारतीय सेना के जवानों की वीरता की कहानी पसंद करते थे। फिर नियति ने उन्हें भारतीय सेना में कैप्टन भी बना दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हुआ था। उन्होंने स्कूली शिक्षा DAV सेंट्रल स्कूल में ली। फिर 12वीं करने के बाद वो चंडीगढ़ चले गए, जहां के DAV कॉलेज में उन्होंने साइंस में ग्रेजुएट किया। जहां तक करियर की बात है, 1994 में उनका सिलेक्शन एक शिपिंग कंपनी में मर्चेंट नेवी के लिए हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना इरादा बदला और सेना में आने का फैसला किया। फिर 1996 में उन्होंने CDS की परीक्षा पास की और ट्रेनिंग के बाद 6 दिसंबर 1997 को भारतीय सेना में उनकी पहली नियुक्ति जम्मू कश्मीर के सोपोर में लेफ्टिनेंट पद पर किया गया। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ।